Back to the nightly show. Awam ki awaz ji host Farah Yusuf asan sa ganan Farah sa sailai sari kacheri kayu sailai sara era topic chhedya se jete normally am ji khar sa Farah budhaindi bhi nahi yaar asan ke un asan ji show mein gali budhai hun so gali to ilai Farah sa karan jalai lekin hane thodo side change ta ke un Farah jo iklo bio side daan ji koshish kayu ta Farah aapne bola ke wo to TV dekhte rehte hain right तो आप मूवीज वगैरह देखती हैं आर यू इनटू फैशन शी इज इनटू फैशन अ लॉट इनको देख के लगता भी है शी इज इनटू फैशन राइट या आप भी फैशन में हैं इंटरेस्टेड वेल आई एम नॉट इनटू फैशन आई एम जस्ट अ गाय यू आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन फैशन बट आप बस ब्लैक कपड़े पहन के बैठने का डजंट मीन लोगों को पता नहीं चल रहा क्या बात है शुक्रिया कोर्स इसीलिए मैंने रखी है तारीफ करती हैं तो थोड़ी इनकरेजमेंट मिलती है हर किसी को पसंद होता है अपने हिसाब का फैशन हर कोई अपने हिसाब का करता है समबडी सम पीपल वांट टू बी सिंपल सम पीपल वांट टू यू नो Accessorize stuff, so. I think you should ask her, right? How does she manage wardrobe and all that? In मुझे पता channel इतने पैसे नहीं देता. बहुत मुश्किल काम है wardrobe manage. I know एक shirt आ सकती है पैसों में से. दोनों कपड़े नहीं आते. तो कैसे फिर मैनेज करती हूं यू आर राइट मुझे खुद भी थोड़ा सा शौक है कपड़ों का तो मेरे पास अपनी वार्डरोब भी बहुत सारी होती है फिर कुछ चैनल से भी कुछ पैसे मिल जाते हैं कुछ मिल जाते हैं एक चीज आप ले सकते हैं तो वो फिर हम मैं मिक्स कर लेती हूं उसको अच्छा वो मांगते हैं वापस मांगे आपसे नहीं मांगते लेकिन न्यूज़ वाली साइट पे मांग लेते हैं अच्छा वो तो मेरे ख्याल से मैंने सुना है न्यूज़ का स्विच करती है बेचारी एक ड्रेस होती है वो स्विच करती रहती हैं एक हफ्ता वो पहनती है फिर दो हफ्ते तीन हफ्ते के बाद दूसरी पहनती है ऐसा होता है ऐसा नहीं होता साइज नहीं आएगा ना अगर कोई मोटा है कोई पतला है कुछ है वो नहीं ऐसा नहीं होता तो फिर लड़कियों को तो इतने कपड़े चाहिए होते हैं और सबको हम अच्छे कपड़े पहने हुए देखते हैं हम कैसे मैनेज करते हैं बहुत मसला होता है और थैंक्स टू डिफरेंट ब्रांड्स अब तो पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रांड्स आ गए कोई मसला नहीं होता आप डॉलमेन चले जाएं वहाँ से जाके मैं तो यही करती हूँ वहाँ से जाके बस जो समझ आया ये कुर्ता दे दो स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती जिस तरह हमें पहले वहाँ पे लास्ट जियो में हमारे पास एक बड़ा ब्रांड का वो सलून था उससे हर महीने वो जो फैशन रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं या मॉर्निंग शोज हैं इस तरह के ग्लैमरस प्रोग्राम्स हैं उनमें तो मिल जाएगी हमारा प्रोग्राम जरा हार्ड कोर सीरियस सोशल एंटरटेनमेंट वाला प्रोग्राम एग्जैक्टली क्राइम साइड पे तो वो आपको बोलते हैं बस जैकेट पहन कोई नहीं लेगा मैं कुछ क्या कुछ ऐसा पहन के नहीं जा सकती फैशनेबल और वहाँ पे कौन आपको बैठ के अगर हम क्राइम प्रोग्राम्स देखेंगे तो लेकिन हमने तो काफी न्यूज एंकर्स को बड़े फैशनेबल होते हुए देखा है धरनों में जीन्स टाइट ये वो वहाँ आप कर सकते हैं ऐसा आप कर सकते हैं न्यूज में मतलब ऑन फील्ड आपके पास थोड़ा मार्जिन होता है लेकिन हम जिस जगह पर जा रहे हैं लोग आपसे रिलेट करते हैं आपको वैसे ही नजर आना चाहिए उनसे अलग नहीं होना चाहिए तो मेरा तो जब ऑन फील्ड होती हूँ बहुत सिंपल मैं आम रूटीन में भी मैं जीन्स टी शर्ट बहुत सिंपल मेरा है लेकिन अपना अपना सबका स्टाइल होता है उस तरह से मैं लास्ट मूवी कौन सी देखी है आपने लास्ट मूवी मैंने कौन सी देखी मुझे उसका नाम याद नहीं है और जो घर पे देखी थी वो मैंने दोबारा से देखी बहुत अच्छी थी और वो मैंने सिनेमा में तो देखी उसके बाद मैंने घर पे भी देखी दो बार देखी और दोनों बार अकेले देखी दूसरी बार फ्रेंड्स के साथ देखी पहली बार अकेले देखी एक्शन मूवीज आप अकेले में देखती हैं मूवी लवर और मुझे जब भी कोई अच्छी मूवी मैं फ्रेंड से पूछती जरूर हूँ हस्बैंड से भी पूछती हूँ जो उनके टाइप की मूवी होती है वो मेरे साथ चले जाते हैं लेकिन नहीं होती उनके टाइप की तो मैं अकेले जाती हूँ एक्शन मूवी किसी के टाइप की नहीं थी हस्बैंड के टाइप की भी नहीं नहीं वो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन टू इंग्लिश मूवीज वो आपका ज़ोडियक क्या है कैप्रिकॉर्न Oh wow, my father's zodiac is Capricorn. He likes action as well. और उनको तो action ही पसंद है. वो English में बोलते हैं English movie हो तो कुछ action हो यार अली. ये drama वामा यार. I'm not in this age. हटाओ इसे. हाँ, I'm not a drama person. मैं drama नहीं देख सकती क्योंकि आपको हर उस रोज इतने बजे wait करना है TV के सामने मेरे. नहीं नहीं movies में भी genre अगर drama की होती है ना कोई जिस तरह से बहुत मजेदार वो series जो आए हुए. Series के अलावा you know मैं I'm movie lover as well. In fact I eat movies. मेरी आदत है रोजाना रात को लैपटॉप पे मूवी चलते हुए बंदा सो जाता है तो मूवीज तो बहुत आती हैं बेशुमार रोजाना हर कोई जान रहा है कोई थ्रिल मूवी है कोई मिस्ट्री मूवी है तो मेरा तो बहुत इंटरेस्ट है लेकिन यस एंटरटेन करने के लिए एक्शन मूवी ही काम आती है या फिर कॉमेडी देख सकते हैं आप आई लव कॉमेडी मिस्टर बीन्स देख लेती हूँ मैं बार बार लगा के देख सकती हूँ मिस्टर बीन को यस अभी तक आप देखती हैं मिस्टर बीन मैं बहुत शौक से देखती हूँ और हाँ मुझे याद आ गया लास्ट मूवी मैंने एक्टर इन लॉ देखी थी जर्मनी से कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे आई रियली लाइक्ड इट एवरीबॉडी लाइक्ड इट आई हैवंट सीन इट येट यू हैव टू सी इट या मैंने नामालूम अफराद देखी थी इट वाज गुड बेटर देन ऑल अदर्स एट लीस्ट मैंने फर्स्ट वीक में देखी थी बिकॉज़ इट वाज एक्टर इन लॉ एक्टर इन लॉ इट्स अ वेरी गुड इट वाज गुड आई हैड टू या
wow, I like this guy, man, Fahad Mustafa. Yeah, he's a good actor. He's one of the top actors. Besides being good actor, the thing I like about him is, you know, उसे देख के, he looks like one of us, like हमारे जैसा ही लगता है. Relate कर सकते हैं. Relate करता है सबको उसे, and still he's superstar, like Pakistani filmों में अब मेरे ख्याल से he's the biggest. क्योंकि उन्होंने जो दोनों movie की नामालूम अफराज जो थी, वो भी एक आम आदमी की कहानी थी. Exactly. और ये भी एक आम एक ऐसे लड़के की कहानी है जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है और घरवाले उसके against हैं. यानी एक कोई actor बनना चाहेगा. Even if you see him on his show जो hosting करते हैं, so I think very energetic. और ये भी कभी-कभी अब मैं interested हो गया हूँ थोड़ा ज़्यादा जानने में. कि वैसे मुझे पता है कि अब अजूबा जब करता था ना, तो मुझसे कोई और कुछ करवाना चाहता था तो मेरा टोन ही अजीब होता था. लाइक अजूबा ऐसे करता था ना, कभी देखा है आपने पाकिस्तान? हाँ, मैं दिखाता हूँ पाकिस्तान, मैं हूँ अली बंगर और अब ऐसी चीजें आपको दिखाऊंगा. तो टोन ही हो गया था. फिर कुछ मुझे बोलता था, यार जरा बच्चों पर बात कर लो, तो समझे अगर हम तालीम पे बात करें, आपको तालीम क्या हो गया मुझे, तो बहुत वो एनर्जी लगानी पड़ती है वापस आपको. एक्चुअली यू गो इनटू इट विद द डीप के फिर वो उससे बाहर आते. इसीलिए एक्टर्स की जिंदगी कितनी मुश्किल होती होगी. वो एक कैरेक्टर से बाहर आते होंगे, वो साइकोलॉजिकली कितना सफर करते होंगे. मैं और जब वो अपना एक्सेंट चेंज करते होंगे, मैं हमेशा ये सोचती हूँ जब वो एक एक्सेंट सीखते हैं एक फिल्म में बोलने के लिए, ड्रामे में बोलने के लिए, और उसके बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसे बोलते होंगे. और वो पूरा कैरेक्टर उनके अंदर आ जाए. जो अच्छे एक्टर्स हैं वो यही कहते हैं. मुझे एक बार वो एक्टिंग कोर्स में बड़ी अच्छी बात सिखाई गई थी जो मैंने पकड़ ली. उन्होंने कहा कि एक्टिंग इज हाउ टू नॉट एक्ट. एक्टिंग ये नहीं कि एक्टिंग करके दिखाओ. एक्टिंग करके दिखाओ मतलब कि एक्टिंग नहीं लगे ये करके आप वो बन जाओ जो कैरेक्टर आप. हाउ नॉट टू एक्ट. सो एक और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी एक्टर्स के पास तो बड़ा चैलेंज है. वो इसलिए चैलेंज बहुत बड़ा है कि वैसे तो हमारी पूरी मीडिया ही अलग है पूरी दुनिया से. जिस तरह से आप अगर देखें, सबसे कॉमन बात यहाँ पे ड्रामे बनते हैं, वन कैमरा ड्रामा बनता है. आप गोरों के देखें, इनके बहुत सारे कैमराज होते हैं, इंडियन बहुत सारे कैमराज होते हैं, यहाँ पे वन कैमरा रूल है, उस पे ही चलेंगे. फिर एक्टर्स वगैरह को बड़ी लिमिटेशन होती है कि यहाँ से आगे नहीं हिलना, यहाँ से एक कैमरा होता है, तभी बड़े मसले होते हैं ना कि इधर से नहीं हिलना, लाइट इधर से ही लेना. तो वो परफॉर्म बेचारा कहाँ से करेगा, वो तो यही सोच रहा है कि यहाँ से आगे नहीं जाना मुझे, यहाँ से ऐसे नहीं हिलना, ये लाइट ऐसे इधर करके रखनी है मुझे. तो इट्स अ टफ जॉब. सो आपने सोचा है एक्टिंग का कभी? ऑफर्स मुझे शौक एक्टिंग का और रियली एग्जैक्टली मैं तो आप बोले क्या बातें कर रही हैं. नहीं 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 नहीं, मैं एक्टिंग करना चाहती थी और मैंने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो हमारी सोसाइटी थी, आई वाज द पार्ट ऑफ इट. और बहुत शौक से बड़े अच्छे अच्छे प्लेस किए, लेकिन समहा मैंने बताया एक्सेप्टेंस नहीं होती. तो मेरी फैमिली में भी उनको ये लगा अच्छा एक्टिंग ये लोगों बहुत बुरा काम होता है. फिर मैंने डाइवर्ट कर लिया अपना शौक एंकरिंग की तरफ. तो आपको रियल लाइफ के अलावा इस स्टेज पे बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर सकते. तभी मैं बड़े मुश्किल सवाल करने वाला हूँ आपसे. आई होप आई प्रे आप मुझे उसका जवाब दें. हाँ, बिल्कुल दूंगी प्रॉमिस. या ओके इंशाल्लाह. सो आप को लोगों ने हमेशा एक सीरियस देखा है थोड़ा. जारी बात है पर्सनल लाइफ में I can see how you are, माशाल्लाह. लेकिन जारी बात है जो प्रोग्राम की नेचर है, जो हमेशा से आपके काम की नेचर रही है, वो सीरियसनेस रही है थोड़ी. Have you ever sung in any show? ये जितने सब देखने वाले नहीं, आप सब भाग जाएंगे. इसके बाद ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर ये तोहफा होगा हम सबके लिए, ये तोहफा नहीं होगा, अजियत होगी आपके लिए जो गाना आप सुनेंगे मेरी आवाज में. मैं इनकार नहीं करती लेकिन गा दूंगी. लेकिन आप मुझे बताएं कौन सा गाना गाऊं, क्योंकि मैं बहुत बेसुरा गाती हूँ. कोई भी गुनगुना दे, कोई भी गाना, कोई भी आपको पसंद हो. आजकल वी आर प्रो पाकिस्तान, इंडियन नहीं गा रहे. बिल्कुल, मुझे तो पाकिस्तानी सिंगर्स बहुत पसंद है. अली जफर इज माय फेवरेट. उसका सुना दे, आतिफ असलम मुझे बहुत पसंद है यार. आतिफ असलम का मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं अली जफर का जरूर सुना दे. अली जफर कौन सा वाला? सुन रहे सजनी, अभी मेरे ज़हन में फौरन वही फ्लैश. तो बड़ा मुश्किल गाना चुन लिया आपने वाकई. मुझे आता नहीं है गाना, तो मैं कुछ भी गा सकती हूँ. हम साथ देंगे आपका म्यूजिक अभी. साथ देंगे आपका बिल्कुल. म्यूजिक स्टार्ट करेंगे तो फिर हम जेल में विझराईंदियूं आहिनि, मसला हल कंदियूं आहिनि, ॿारनि खे बाज़ियाब कराईंदियूं आहिनि, ऐं उहो फरा यूसुफ हाणे असांजे लाइ गुनगुनाइण वारियूं आहिनि. अल्लाह आप सब पे रहम फरमाए, आप लोगों पे भी रहम फरमाए. गाना गाने वाले हैं, मेरी आवाज में गाना सुनने वाले हैं. चलिए 3 2 1
सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबहार है तेरे बिना हाय रे दिया नहीं जाए रे तुमसे ही हमको प्यार है बस इतना बहुत है। चलो आप मेडले सुना दे अब ये अच्छा था ये इतना बुरा नहीं था आप सारे गाने मिक्स कर दें अली जफर के आतिफ असलम के जो हम करते हैं मैं तो करता हूँ। अच्छा एक गाना है जो वहीद मुराद पे पिक्चराइज हुआ था वो मुझे बहुत पसंद है गाना जी। मुझे सिंगर का नाम आई गेस अहमद रुश्दी अहमद रुश्दी यस कोको कोरीना वो सबको आता होगा सबको आता है आपको भी आता होगा सबको यस लेट्स गो कोको कोरीना गा सकते हैं मेरे माइक मिल सकता है हमें हैंड माइक ऐसे ही गा सकते हैं हम हैंड माइक लेते हैं ताकि आपको हैंड माइक दें ताकि वो कुछ एको भी देंगे पीछे फिर कोको कोरीना में मजा आएगा। वैसे वहीद मुराद के जमाने के क्या गाने थे यार बहुत अच्छे अच्छे गाने थे वो जिसमें से एक गाना था वो क्या पता जिंदगी का सुना क्या भरोसा है किसी का पुराने गाने बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच सितार साहब हम कोशिश करेंगे ये माइक आपकी तरफ आए जब गाना हो मुझे बताइएगा तो माइक थोड़ा करीब रखना पड़ेगा हाँ, हाँ. ये बोलते हैं ये शर्त है आवाज आने की आप जी चेक करें मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना थैंक यू सो मच आपके बहुत सारे फैंस हैं और वो सभी खुश हो गए होंगे और मुझे भी दुआएं दे रहे होंगे दुआएं दे रहे होंगे हाँ ना कि आपसे आपसे गुनगुनाया ये तो आप कमेंट्स से पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा यार वो अच्छे ही आ रहे थे पीपल लव यू आई कैन रीड दैट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम विश यू बेस्ट ऑफ लक टू योर हस्बैंड यू गाइज आर डूइंग ऑसम जॉब अल्हम्दुलिल्लाह से और कोशिश है कि इसको आप यू गाइज आर नॉट जस्ट यू नो के एक चैनल से कुछ प्रोग्राम करते हैं तो एंकर है यू गाइज आर अकेडमी नाउ माशाल्लाह आप लोग एक अकेडमी है जो आगे तक लोग फॉलो करेंगे आप लोग रूल्स बना रहे हैं तो उसको यू नो एथिक्स बना रहे हैं तो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक थैंक यू आई एम सो हम्बल एंड इट्स रियली नाइस टू बी ऑन द शो थैंक यू हिते वटा से एकडी ब्रेक ब्रेक का को हिते मजो थण वारो डाडो छोके माता के चयो हे नाइटली शो को एडो तो नाइटली शो ना हन में एतरा अजीब और गरीब कंट्रास्ट हुंदा जो ता पेरो मथो पकड़े के वेई रंदो छतो करे इन का पो असा सा गद रंग हुंदो जलाल चांडियो साथ जो आई बाकायदा हिते एकडो यक्ति यक तारो वर्दो आई सनो निजामी चेंज थी वंदो दिस इज आवर नाइटली शो वी विल बी राइट बैक